तो चलो बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बच्चों को जनरली डाउट आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे बच्चों। कहता है एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे अच्छा है, प्यारा है, और ए नहीं है, ए एन इज इक्वल टू सिक्स में ए जो है एन इज इक्वल टू सिक्स से ट्रांजिशन करता है, मेक ए टू ट्रांजिशन एंड रीच द ग्राउंड स्टेट। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था समझना, एन इज इक्वल टू सिक्स में था, कहाँ पे था, एन इज इक्वल टू सिक्स से वहाँ से दो ट्रांजिशन होके ग्राउंड स्टेट में आ गया है। चलो द फर्स्ट ट्रांजिशन में जो एनर्जी है वो 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड इन द सेकेंड ट्रांजिशन। सबसे पहले इधर हम लोग डायग्राम बना देते हैं, ये एन इज इक्वल टू वन, ए टू और ए थ्री और ए फोर, ठीक है, और ये फाइव और ये सिक्स, ठीक है, एन इज इक्वल टू वन टू ए थ्री और ए फोर और ये फाइव और ये सिक्स, ठीक है। चलो तो एन इज इक्वल टू सिक्स में जो इलेक्ट्रॉन है आप देखो कहाँ पर था, एन इज इक्वल टू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये एन इज इक्वल टू सिक्स में है और सिक्स में से दो ट्रांजिशन से ग्राउंड स्टेट में आया है। तो चलो हमको नहीं पता है कि वो कहाँ पर जंपिंग किया है, किस स्टेट में जंपिंग किया है। तो जो चलो मान लो यहाँ से एन इज इक्वल टू सिक्स से यहाँ पे कहीं पे जंपिंग किया होगा, तो ये जो ट्रांजिशन है लेट हमने मान लिया है, ठीक है, हमको नहीं पता है वो कौन सा स्टेट है लेट। तो इसमें जो एनर्जी है, जो इस ट्रांजिशन में एनर्जी है डेल्टा ई वन उसको मैं बोल देता हूँ, वो वहाँ पर दिया हुआ 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ, अच्छे से देखो। फिर दोबारा ट्रांजिशन किया है, दोबारा यहाँ से आया है समझना, दोबारा यहाँ से जंप किया है और ग्राउंड में आ गया है, और इस समय जो एनर्जी डेल्टा E2 जो आई है बाहर वो हम लोग को नहीं पता है और वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन सेकेंड ट्रांजिशन। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब एक तो आपको अच्छा सा रिजल्ट है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कर सकते हो इसको। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर जब एक्चुअल में यहाँ था तो इसकी एनर्जी लेवल मैं E1 डिनोट कर देता हूँ, और ये इंटरमीडिएट स्टेट ये E2 है, और ये जो ग्राउंड स्टेट है इसको मैं E3 डिनोट कर देता हूँ, ऑर्बिट एनर्जी लेवल, ठीक है, क्योंकि हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेट, सेकेंड क्वेश्चन में हमें E2 की वैल्यू भी पूछा है, इंटरमीडिएट स्टेट जहाँ जम करके गया उसकी भी वैल्यू ने हमें निकालनी है यार। तो चलो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो हम सबको पता है कि अगर ये यहाँ से फाइनली अगर यहाँ था और यहाँ से अगर यहाँ पर जंप हुआ है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E, हम सबको याद होना चाहिए डेल्टा E की जो वैल्यू है वो सम होती है डेल्टा E2 और प्लस डेल्टा E1 के इक्वल होती है। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, वैसे थियरी है यार, याद होना चाहिए आपको डेल्टा E1। डेल्टा E1 कौन कौन सा है, फर्स्ट ट्रांजिशन का है, इसकी वैल्यू होगी E2 - E1 बराबर है, और डेल्टा E2 की वैल्यू कितनी होगी, E3 - E2, ठीक है। और डेल्टा E क्या है, एन इज इक्वल टू सिक्स से एन इज इक्वल टू वन में अगर जंपिंग करता है तो एनर्जी का डिफरेंस है, तो डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी E3 - E1। तो अगर मैं इनको जोड़ जाड़ लूंगा, इनको मैं जोड़ूंगा तो मुझे डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E1 + डेल्टा E2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये आपको थ्योरी याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो ये कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ट्रांजिशन। सेकेंड ट्रांजिशन मतलब हमें E2 की वैल्यू निकालनी है, तो E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो डेल्टा E - डेल्टा E1 के इक्वल आ जाएगी। अब देखो इसमें से क्या क्या पता है, सबसे बड़ी बात हमें डेल्टा E1 की वैल्यू पता है, तो डेल्टा E और -डेल्टा E1 की वैल्यू 1.13 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डेल्टा E निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा E निकालना पड़ेगा, तो चलो निकाल लेते हैं डेल्टा E। तो अब हमारा टारगेट है डेल्टा E कैलकुलेट करना, तो डेल्टा E कैसे कैलकुलेट करें वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा E निकालने के लिए हमें ये वाली जो सिक्स वाली एनर्जी लेवल है इसमें एनर्जी पता होना चाहिए, तो एनर्जी इन सिक्स ऑर्बिट में जो आ जाएगा, जिसको मैं E1 लिखा हूँ, वो आ जाएगा -13.6 और ये सिक्स का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन का वो जीरो पॉइंट माइनस 0.3, इसको सॉल्व करोगे तो 0.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा एनर्जी E1।
सिक्स वाले ऑर्बिट जिसमें था वो इसकी एनर्जी आ जाएगी, और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है E3 की जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर मुझे जो ई है डेल्टा ई, तो आ जाएगा, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये आ जाएगा -13.6, और माइनस और इन दोनों में माइनस कर दूँ -0.377। तो फाइनली जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा डेल्टा ई, समझ रहे हो ना आप, डेल्टा ई E3 -E1, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो ये आ जाएगा 12.23 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में आएगा। एक्चुअली यहाँ E1 -E2 होगा, या मैग्नीट्यूड ले लो, यहाँ पे मॉड ले लो, ठीक है। तो ये यहाँ से 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हमें डेल्टा ई की वैल्यू। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे अपने इक्वेशन में रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा डेल्टा ई, तो मुझे सेकेंड ट्रांजिशन में एनर्जी आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत मुझे और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो डेल्टा ई टू जो सेकेंड ट्रांजिशन में है, डेल्टा ई और -1.13 है, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, 12.23 प्लस में -1.13। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द पार्ट फर्स्ट। तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी जो है, जब सेकेंड ट्रांजिशन किया होगा, फोटॉन जो बाहर आया होगा ऐसे करके, उस फोटॉन की एनर्जी ये वाली चीज है। अब ये कहता है कि इंटरमीडिएट स्टेट ये E2, जो E2 है यहाँ पर E2 है, हमको नहीं पता है कि E2 N1=3 है, 4 है, 5 है, तो जो भी है E2, तो हमें E2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो E2 की वैल्यू कैसे निकाला जाए यार, E2 एक इंटरमीडिएट स्टेट है। यहाँ से देखो, यहाँ से है कि जो E2 है, E2 वॉट एवर जो भी इसकी एनर्जी हो हमको नहीं पता है, तो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें निकालना है। मतलब दो ट्रांजिशन के थ्रू ग्राउंड में गया ना, तो जो दो बीच वाला जो ट्रांजिशन था वो कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। हम सबको पता है कि यहाँ से डेल्टा जो ई की जो वैल्यू है, यहाँ से डेल्टा ई, यहाँ से आप निकाल सकते हो डेल्टा, देखो इन दोनों बीच के जो E1 और E2 के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा E1 है, तो डेल्टा E1 वो दिया हुआ 1.13 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डेल्टा E1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, देखो E2 -E1, क्लियर है। तो E2 -E1, अब हमें जो E2 आ जाएगा, देखो E2 -E1 हमें चाहिए यार E2, तो E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा E1 +E1, ठीक है। और डेल्टा E1 क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन में एनर्जी वो ऑलरेडी दिया हुआ 1.13, और प्लस E1 की एनर्जी, तो E1 जो है वो n इक्वल टू 6 वाला था, तो 1.13 और n=6 वाले हम पहले से ही एनर्जी निकाले हैं, वो है 0.377, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ सम ले रहे हैं, प्लस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, तो जो यहाँ से जो E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द फाइनल बेसिकली एनर्जी ऑफ द E2, वह इंटरमीडिएट स्टेट जिसमें ट्रांजिशन किया है। अब ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर होता है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है, तो ये निगेटिव साइन इग्नोर कर दो, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13.6, और आ जाएगा 1.50 अंडर रूट, ठीक है। तो 1.50